अस्सलामु अलैकुम। क्या मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोस्त बन सकते हैं या इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स के साथ दोस्ती रखना हराम है? कुरान में इसके बारे में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। कुरान के सूरह नंबर 3 आयत नंबर 28, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 144, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 51, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 23, इन सब आयतों में साफ साफ लिखा है गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती मत रखो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन आयतों में सारे गैर मुसलमानों के बारे में कहा गया या कुछ ख़ास गैर मुसलमानों के लिए कहा गया? इसका जवाब कुरान के सूरह अल मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 57 और 58 और सूरह नंबर अल मुंतहा सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 में दिया गया है। सूरह अल मुंतहा सूरह नंबर 68 और 9 आयत में अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकते कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निस्संदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। जो लोग उनसे मित्रता करें वही जालिम है। सूरह अल मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 58 और 57 में है, ए ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया है उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे उसे हंसी और खेल बना लेते हैं, इसका कारण यही है कि वे बुद्धिहीन लोग हैं। इन आयतों को देख के हमें पता चलता है कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम धर्म और नमाज का मजाक उड़ाते हैं और जो मुस्लिम्स के खिलाफ युद्ध करते हैं इस्लाम उनसे दोस्ती करने से मना करता है, शांति प्रिय गैर मुस्लिमों से दोस्ती करने से मना नहीं करता।